तो आप कुछ इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है। फ्रेंड्स, आपको मैं इस वीडियो में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, किस एप्लीकेशन का यूज करना चाहिए, फ्रेंड्स आपको और किस तरह से एडिटिंग करते हैं हम स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए, तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में फुल डिटेल बताऊँगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहां से बहुत सारे यहां स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स आपको अगर 2020 में 2020 में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको फ्रेंड्स इस वाले स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको ओके में क्लिक करना है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स, इसे हम ओपन करके दिखाते हैं। तो हम लोग का जो ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, तो फ्रेंड्स इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, सिंपली से इसमें टैप करेंगे और आपका ऑप्शन आएगा, सिंपली से यहां आप टैप करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। फ्रेंड्स मैं और आप जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बताते हैं कि इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से इसके करने के बाद आपको क्या करना है, कैसे एडिट करना है। तो फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर में एक और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है काइनमास्टर। काइनमास्टर एप्लीकेशन प्ले स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, या मैं दोनों एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स उन एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद अब हम बताएंगे आपको कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से इन वीडियो को एडिट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको क्या करेंगे, हम उस एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। तो काइनमास्टर मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स मैं इसे ओपन करने प्लस के आइकॉन में क्लिक करना है और इसके बाद 6.9 का रेशो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं तो ओके में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली से मीडिया के वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। आपको जो भी बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं उसको बैकग्राउंड पहले सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। एंड गाइस अगर इन बैकग्राउंड को आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड ले सकते हैं या कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन में जो भी बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड किया है वहाँ से कोई भी बैकग्राउंड में ले लेता हूँ। फ्रेंड्स मैं इस बैकग्राउंड को ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से कोई भी आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आप जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कुछ इंटरफेस आएगा, आपको सिंपली से मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद अगर आप बैकग्राउंड में कुछ चेंज करना चाहते हैं, दूसरा लगाना चेंज कर सकते हैं। सिंपली से मैं इसी बैकग्राउंड को ब्लरनेस में करके बताऊंगा। फ्रेंड्स आपको इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, इसके दोनों में क्लिक करना है। इस यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इसको जूम इन कर लेना है। जूम आप जूम कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ आपको इफेक्ट में क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है, ब्लर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। ओके में क्लिक करने के बाद इसको आप इस ऐसे खींच के बढ़ा लीजिए, पूरे में ब्लर कर लीजिए। फ्रेंड्स आप जितने स्क्रीन तक आप जितने लंबे तक आप ब्लर करना चाहते हैं इस तरह से ब्लर कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस ब्लरनेस को और बढ़ाना है। तो आपको यहाँ ऑपेसिटी में जाना है, इसको और बढ़ा सकते हैं, आप 5 से 6 कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और मीडिया में क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्ड आएगा, स्क्रीनशॉट को आपको ओके पे क्लिक करना है। इसको थोड़ी अपने साइज़ के हिसाब से सेट कर लेना है। इसको ओके में क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको मीडिया में जाना है। इसके बाद आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मोबाइल का टेम्पलेट या PNG में डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड्स मैं उस PNG को ऐड कर लेता हूँ। फ्रेंड्स हम लोग का PNG आ गया है। इस तरह से आपका PNG आ जाएगा फ़ोन, आप इसको अपने फ़ोन के हिसाब से, मतलब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसके हिसाब से सेट कर लेना है। फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ी
कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। फ्रेंड्स इस तरह से सेट करने के बाद आपको क्या करना है, ओके पे टैप करना है। इसके बाद मैं इसका जो साउंड इफेक्ट है आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले जो आप लगाएं साउंड का, इसको आपको जीरो कर देना है। फ्रेंड्स इसको 100% कर देना है। मैं इसको भी अभी जीरो कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो मैं ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपका वीडियो चलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे आपका वीडियो चलेगा। फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप अपने बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह से ब्लरनेस से आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऐड करते हैं। अगर कोई भी ग्रीन स्क्रीन भी लगाना चाहते हैं तो आपको लेयर वाले ऑप्शन में जाना है, मीडिया में जाना है। इसके बाद मैं कोई भी अगर सब्सक्राइब इंट्रो का ग्रीन स्क्रीन लगाना चाहता हूँ तो इसमें ग्रीन स्क्रीन में ओके करूँगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है क्रोमा की का, इसमें इनेबल कर देना है और ओके में क्लिक करना है। फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग का जो इसको आपको जहाँ सेट करना है सेट कर सकते हैं, फिर ओके में क्लिक करना है। आप इसको देख सकते हैं इस तरह से कुछ सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा। फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एडिटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिससे उनको यूट्यूब में वीडियो बनाने में या स्क्रीन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम ना जाए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।